हेलो छात्रों, अच्छी खबर है। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि DLED यानी BTC में एडमिशन की जो डेट है वो बढ़ने वाली है और वो बढ़ भी चुकी है। अब 25 जुलाई तक आवेदन हो सकते हैं ऑनलाइन। खबर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। बैकग्राउंड में आप देखिए पीछे साइड में क्या दिख रहा है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं DLED में अब 25 तक पंजीकरण होगा। कुल टोटल 2,42,000 सीटें हैं, जिसमें अभी तक आवेदन जो है वो 1,00,000 तक भी नहीं हुआ था 6 जुलाई तक, इसलिए ऐसा निर्णय लिया गया है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अर्थात DLED प्रशिक्षण 2022 में पंजीकरण की जो तिथि है वो 25 जुलाई तक कर दी गई है, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर प्रिंट आउट लेने की तिथि 27 जुलाई निर्धारित की गई है, जो कि अभी तक 9 जुलाई थी। इधर DLED के लिए आवेदन की जो रफ्तार है वो शुरू से ही धीमी थी, लेकिन 2 दिनों में आवेदन करने वालों की कतार लंबी हो गई, तेज़ी से बढ़ गई और सीटें भी खाली जा रही थी, इस वजह से ऐसा किया गया है। PVR स्टडी के साथ अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको DLED यानी BTC की मैथमेटिक्स की विशेष क्लासेज, जिनको मैथ में कुछ भी नहीं आता है उनको भी, और दूसरी बात एक चीज़ और क्या, वो ये कि जो भी एडमिशन से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड वगैरह वगैरह कुछ भी अपडेट आती है वो भी हम आपको दिखाते रहते हैं। अगर आप DLED यानी BTC में वो क्या बोलते हैं एडमिशन की जो ऑनलाइन अप्लाई होता है वो नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा, वो भी आपको सिखा दिया जाएगा अगर खुद से कर रहे हैं तो। वैसे तो अधिकांश जो कैंडिडेट हैं वो सब फिलहाल दुकान से करवाते हैं, लेकिन आप खुद से भी कर सकते हैं। रात के 10 बजे से मैथ की स्पेशल क्लास भी चलती है, आप लोगों का एडमिशन हो रहा है, जैसे ही एडमिशन हो जाएगा लगभग वैसे ही आपकी DLED यानी BTC प्रथम सेमेस्टर की मैथमेटिक्स की बिल्कुल फ्री एक लाइव क्लास भी चलने वाली है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको कुछ चीज़ें और भी दिखाना था। आपको बता दें कि अभ्यर्थी ऑनलाइन पंजीकरण कर आवेदन शुल्क 26 जुलाई तक ऑनलाइन जमा कर सकेंगे, ये भी याद रखिएगा। यानी 25 तक ऑनलाइन आवेदन करेंगे, 26 तक शुल्क जमा कर सकते हैं और 27 तक प्रिंट आउट लिया जा सकता है। ये अभी तक 6, 7 और 8 जुलाई तक ऐसा कुछ निर्धारित था पहले, ठीक है। ये खबर आप देख रहे हैं दैनिक जागरण ई पेपर, पेज नंबर है पेज नंबर 4, आप देख सकते हैं 7 जुलाई का है। इसी के साथ ये भी देख सकते हैं BEd का दाखिला वालों में 93% उपस्थिति रही और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में LLB की परीक्षाएं 7 जुलाई से प्रस्तावित और प्रथम चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा निरस्त किए जाने के संबंध में जो याचिका दी गई थी उसे खारिज कर दिया गया और ये परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अपडेट में। बहुत बहुत धन्यवाद।